सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू SOS। मैं धीरे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट रूम में परम बैठा है और मैं बहुत ज़्यादा लाउडली नहीं बोल सकती। सो अभी टाइम हो गया है 11:45 के अराउंड और 12 बजे 21 अगस्त हो जाएगी, तो परम का बर्थडे शुरू हो जाएगा। टेक्निकली बहुत ज़्यादा कुछ ग्रैंड प्लान नहीं है। एट 12 वील बी कटिंग हिज केक ऑब्वियसली। सो परम के फ्रेंड्स आए हैं जो उसको नहीं पता। आई एम जस्ट वेटिंग एंड होपिंग कि ये कोई क्वेश्चंस ना पूछे और चुपचाप नीचे चल ले। आपको थोड़े से BTS दिखा देती हूँ कि नीचे क्या तैयारी चल रही है। लेट्स सी हाउ इट बिगिन। तो ये खड़ा है हमारा टेडी बेयर और ये खड़े हैं परम के फ्रेंड्स उसको सरप्राइज देने के लिए। वीडियो कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। व्लॉग बना रही है, व्लॉग पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही है। हांजी पापा, सत श्री अकाल। थैंक यू। तो अभी हमने अभी एक इंस्टा पे रील भी डाली है जो कि सिमर ने एडिट करी और इसने मेरे को फोर्स करा कि डाल दे यार। सही में। और रक्षाबंधन भी डाली हमने फर्स्ट टाइम ऐसे कोई रात को 11 बजे रील डाली होगी एंड इट इज परफॉर्मिंग गुड। गाइस बड़े टाइम बाद हम आ रहे हैं व्लॉग चैनल पे, मेरे बर्थडे पे 4 महीने बाद आ रहे हैं। कौन आ रहा है या कौन सरप्राइज है कि कुछ ऐसा कोई आ रहा है, सरप्राइज है। अब पहले क्या होता था कि भैया सिमर अलग मैं अलग, तो आराम से हम सरप्राइज प्लान कर लेते थे। बट अब मेरे साथ ही होती है तो मुझे भी काफी बातें पता लग जाती हैं, मतलब हल्की हल्की शक तो हो ही जाता है। अभी मेरे को पता नहीं है क्या है बट हाँ थोड़ा थोड़ा हिंट मिलने लग जाते हैं ना। बाकी चलो देखते हैं। केक ना खाएंगे तनु केक। और 12 से ऊपर हो गए हैं, अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। क्या आना रह गया? अच्छी चीजों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। आरो नीचे आ रहा भाई। God bless you. May God bless you. सी के मांग रहे थे हैं। वाला केक बनवाया था, इसमें भी टिंडे तोरी अच्छे नहीं लगे। घिया भी छोड़ दिया, टिंडे भी छोड़ दिए, अच्छे नहीं लगे। ये तो अभी तो ये टेस्टी थे, खुद घिया बनी हुई है। और फाइनली सब चले गए हैं, अब संभालने में लगे हैं। बाजार का 1:15 बज गया है, अब अगले जन्मदिन के लिए इंतजार करेगा। गजब बेइज्जती है। थैंक यू सो मच। हर बर्थडे में भाई आप अलग कैसे सोच सकते हो, बहुत अच्छा था, बहुत बस अच्छा। आपको पसंद आ गया ना? बेचारे को गर्मी भी लग रही थी और जो गुड्डे को और पोटी भी आ रही थी, आई रही होगी तभी ऐसे ऐसे उछली जा रहा था। हम खुश हो रहे हैं, डांस कर रहा है पर उसको पोटी सुसु आ रहा था। क्यूट था यार, कितना हाँ बहुत अच्छा था यार। और थैंक यू सो मच टू ड्रीम मेकर जिन्होंने इतना स्पेशल बनाया मेरे बर्थडे को। हाँ हम उनका इंस्टा हैंडल नीचे मेंशन कर देंगे तो आप जरूर उन्हें रीच आउट कर सकते हो अपने स्पेशल इवेंट्स के लिए। खुश करो अपनी बंदियों को, वोटियों को, पतियों को, बॉयफ्रेंड्स को। यार लड़के भी पैम्पर होना डिजर्व करते हैं, सारी पैम्परिंग लड़कियों को मिलती है, इन्हें भी पैम्परिंग की बहुत जरूरत है। ये भी हमारे में से ही एक है, जानवरों की तरह बोल रही है। बाकी कई लड़कियां हैं करती होंगी, दिल पे मत लेना, दिल पे मत। उनको भी थैंक यू बोल दें जो मेरे दोस्त आए थे इतने प्यार हाँ। से मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। थैंक यू सो मच। अरे ओए अच्छा जी, इस पे हमारी गाड़ी का नंबर लिखा है और हमारी गाड़ी का नंबर लिखा है। भाई साहब ड्राइव सेफ मिस्टर एवेंट, तो क्या मैं रूबी की गाड़ी चला दूंगा। यार ये तो बहुत सही है, इसमें तो नहीं चूहा घुसता। हाल फिलहाल में हमारी गाड़ी में चूहा घुस गया। फैमिली थी भाई पूरी, बच्चे दे रखे थे बिल्कुल न्यू बॉर्न, और कहाँ से निकले बताओ मैं नहीं बता रहा। हैंड ब्रेक के नीचे से भाई, हैंड ब्रेक पूरी मतलब
खुलवाई, गियर बॉक्स ही खुल गया, पूरा गियर बॉक्स खुल गया भाई, वहां से निकले, सोचो मतलब यार मरे पड़े थे, तो स्मेल हो रही थी। हमें भी पता चला शायद कोई जाल लगता है। मैंने कहा ये भी तो ये गिफ्ट दे देना, जाली भी लगवा दे। वैसे ये सही है, सस्ता मैंने पड़ जाती, जाली ही दे देती। कितने की लग जाती? 500, 600, 1000 पहले आइडिया दे देते ना। ये लगती है वैसे दादी संतों ने, सही है जुड़ा इसका। अबे तो केक खवाया है, कैसे खाएगी? देख एवे कर दी पिया, भूख लग रही है। The next day. यार क्यों ठाठा क्यों नहीं उतारते हो? वे हर व्लॉग में ठाठे में, हर व्लॉग में ठाठे में। दाढ़ी ना चिपकाए, खुली दाढ़ी में जाऊँ बर्थडे वाले दिन। तो पहले चलते हैं गुरुद्वारे मंगला साहब और फिर आगे का प्लान देखते हैं क्या बनता है। इस लड़के की बर्थडे विशेज ही खत्म होने पे नहीं आ रही है। हाँ जी, सबको पता लग गया, घड़ी को नहीं पता लग रहा, देखियो डेट देखियो, बीच में अटकी हुई है। हो गया पैदा मैं, 21 कर दे भाई, इन ट्रांजिशन डालो। देख ऐड भी है, बच्चे का इंतजार खत्म, हो गया हूँ मैं। अब तो आ गया, मुसीबत पैदा हो आ गया, तो करे क्या, केक काट लिया है, 28 साल का भी हो गया है, ठाठा पहन के बाहर आया हूँ बेटे मैं। वो एज नहीं बताते यार लड़कों की, स्लोली स्लोली वॉकिंग टुवर्ड्स 30 बुढ़ापा। वैसे एक बात होती है, जब तक हम थोड़ा 20s वाली लाइन में होते हैं ना, थोड़ी तसल्ली होती है, अभी यंग है। 30 में कैसे फीलिंग आएगी, क्या खाना ऐसे थोड़ी खाऊंगा अब। ये ऑटो वाला देख, पता भी हमारी रेड लाइट हो रही है फिर भी आई जा रहा है। उसको रेड लाइट ग्रीन लाइट से कोई लेना देना ही नहीं है जिंदगी में। हमें है ना, पता नहीं है यार, जरा मतलब कहाँ कहाँ से घुसते हैं, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से बंदा कहाँ जाए, बीच में ये रेड लाइट कर देते हैं। मैं लेके जा रही हूँ जहाँ मैंने लेके जाना है, लेकिन गुरुद्वारे में बैठ के इस बारी भी परम को एक आत्मस्वरना हो गई, जैसे पिछली बारी घर में ही हो गई थी, हम नीमराणा तो नहीं जा रहे अभी। मैंने इसको जो बोला कि हम वहाँ जा रहे हैं, तो कहती ओ तेरे को पता लग गया, शिट। मैंने कहा वाह, मैंने गैस कर लिया, बट यहाँ पे आके मेरे को पता लगा कि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। अब हम जहाँ जा रहे हैं वो भी मेरे को पता लग गया कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपको वहीं पहुंच, आपको नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? तो जहाँ पहुँच जाएंगे फिर आपको पता लग जाएगा कि हम कहाँ पे हैं, जब तक आप गैस करते रहो। बाकी वो जगह रील्स पे भी चल रही थी, मैंने इसको रील भेजी थी, और ये मैडम को पहले से ही पता था उसका। बड़ी फन जगह है, मतलब हम लोग ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और बर्थडे पे ना हमें ऐसी जगह जाना पसंद आता है, क्योंकि वैसे हम सोचते रहते जाएंगे जाएंगे बट नहीं जा पाते। मतलब यार वैसे इतना हसल बसल वॉक वाले शेड्यूल में ना बंदा सोचता नहीं है कि इतनी दूर ऐसे टाइम निकाल के हम जाएं। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं और वो जगह मेरे को बहुत पसंद आ रही है, बाकी जाके आपको दिखाते हैं, आपको भी बढ़िया लगेगी। बोला था पेट्रोल भरवा लेते हैं वहीं से, नहीं मैं तो नहीं मानूंगी, अब नीचे है, चल यहाँ से मोड़, अब मोड़ यहाँ से, ब्रेक बना खुला छोड़ा उन्होंने। यार गुड़गांव में एंटर करते ही ना ऑफिसेज वाली फील, और वो ये देख लो, देख लो और वो आने लग, क्या खुशबू क्या आती है, वो जो वहाँ के कंप्यूटर की लैपटॉप की सीपीयू की खुशबू आती है। तो हम पहुँच गए हैं फाइनली एलिवेट, यहाँ आने की मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि यहाँ मैंने एक्टिविटीज देखी थी मजेदार, तकेशी का है गुड़गांव का। हाँ, तो यहाँ पे मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कितनी सारी एक्टिविटीज हैं, एक्साइटेड फील हो रहा है मतलब। यस भाई पूरी तकेशीज कासल वाली फील दी हुई है यहाँ पे, पर हम एक्साइटेड फील हो रहा है, बहुत बहुत भाई मजा आने वाला है, चलते हैं अब बिना टाइम वेस्ट करे। वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है नहीं, क्योंकि ये ना अभी नया नया खुला है, लोग आ रहा है, बहुत लोगों को पता लगेगा। तो इन्होंने बताया कि पहले हमें ये हाई रोप वाली एक्टिविटी करनी है, रोप पे है ये कुछ मतलब ऐसे प्लैंक से टंगे हुए हैं, इसको हमें पार करना है। तो इन्होंने हमने अब पहना दिया है ये सेफ्टी गियर, और यहाँ से शुरू करना है हमने, तो पूरा क्रॉस करना है। मैंने हेलमेट पहना, सरदार जी के पास तो है ही, तो देखते हैं कितना कर पाते हैं कंप्लीट। अब मेरे को बता दो रास्ता एक बारी, और कहीं डर लगे तो क्या करना है? नहीं डर तो पहले लगेगा नहीं, मैं अगर आपको लगेगा बाय चांस तो आप हमको बोलिए, हम आपको रेस दूंगा। ऊपर वाले जो फ्लोर है बहुत तेज हो रहे हैं, ये कर लो पहले। भाई ये देखो, ये पहले फर्स्ट फ्लोर है, अभी हम पूरा यहाँ से घूम के आएंगे। दीदी कहती है आप खुद बना लो वीडियो, मैंने कहा भैया हम तो लटक जाएंगे, फोन तो गिर जाएगा ना नीचे सीधा, बट कोई नहीं बनाएंगे, चलते हैं। बड़ो सिपाहियों
नहीं नहीं फोन पकड़ के नहीं कर भाई, मैंने पार कर लिया है सारा है, देखो मेरे को लगा पीछे आ रही है, आई नहीं। अरे कुछ भी नहीं होगा, सच कह रहा हूँ, आजा। ये लगी तो हुई है, खींच के देख ली मैंने, सही है अभी तक। आजा आजा, कुछ नहीं होगा। 2000 years later. Good. अरे शाबाश शेरनी। Yes, yes. अरे एक one more. She did it. कर लेगी, मेरे को पता है। अगला तो और इजी है ये देख। ओए और मुश्किल है ये तो यार। मैं बैठ के चली जाऊंगी। गला क्रॉस करके भी निकल गया और मेरी पटरी है यहाँ पे कि मैं कैसे करूँगी, मुझे डर लग रहा है। ये देखो इसको डांस करने की पड़ी है। है। ये वाला पता नहीं कैसे होगा। बहुत ही कॉन्फिडेंस सिमर के चेहरे पे, बिल्कुल भी अब डर नहीं रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। हाफ वे थ्रू मूर्थल पे खाते पीते आजा करनाल पहुंच गई है, हवेली पे रुकेगी शायद या सीधा चंडीगढ़ आएगी। वेरी गुड। खतरों का खिलाड़ी सिमर एक कदम रह गई है और ये सब यहाँ पहुंचे हैं। ये प्लैंक्स जो है ना, ये सीसॉ की तरह है, इसको ऐसे, हाँ ये ऐसे हो जाती है भाई, ऐसे करके आपको ये रोप्स की हद से वहाँ पहुँचना है। मैं नहीं कर रही, ये मुझे खुद ही कह रहा है ये रहने दियो। ये मेरा सुपरमैन आगे के लेवल्स पार करते हुए। प्लैंक वाला ये बहुत मुश्किल था यार, इसके बाद हालांकि सारे इजी थे बट आई कुड नॉट क्रॉस दिस। ये बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस देते हुए मिस्टर परम। हाथ की ऐसी तैसी होगी भाई। एक सीसो वाला वो सबसे डिफिकल्ट था, ये सीसो वाला नहीं, उससे डिफिकल्ट था ये लास्ट वाला, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे ऊपर नीचे था। भाई वो डंडा नीचे वाला जिसके ऊपर से कूदना था, मेरा सिर लगा और अब सिमर मेरे ऊपर बैठने लगी है। परम लाल से उसको गुस्सा आ जाएगा। 2000 years later. One eternity later. भाई मेलों में लगे होते हैं ना बच्चों के लिए, स्किपिंग स्टोन आ गया। ये देखो अब मैंने सिमर को कहा तू पहले चली जा ताकि मैं देख लूं किस किस में तू डूब गई है। चल चल मैं नहीं आगे आ पाऊंगा। डिगडिगी बॉम्ब में जाएंगे, आपको इन बॉल्स से गिराने की और हराने की कोशिश की जाएगी। तो आपको खुद ही सारे रोल्स पास करने हैं, ये वर्टिकल वाली रोप पकड़नी है, ऊपर वाली रोप नहीं पकड़नी है। बहुत टफ लग रहा है वैसे ये तो। दिस इज टफ यार। मिशन अबॉर्ट। तो अब हम सोच रहे हैं जिप लाइनिंग कर ले लास्ट है ना, और वो जाइंट स्विंग कर ले। और ये हम बैठ गए हैं जाइंट व्हील पे, अभी चलाना मत। जाइंट व्हील नहीं है, पेंडुलम पेंडुलम स्विंग है और 60 फीट तक जाएगा, पीछे आपको दिख रहा होगा खंबा, वहां तक जाएगा और आगे आएगा। हाँ भाई लगा ले सारी बेल्टें जितनी है, मेरी अपनी बेल्ट भी उतार के लगा दे इसी में, और सेफ्टी पूरी हो चुकी है। बाकी हम फोन दे रहे हैं भैया को।
बहुत मजा आया ना, बहुत वो पहले डर लगता है, एक बारी बैठ बैठ जाओ ना, बस वो एकदम से लगता है कि आप लोगों को बिठा रहे ना, पैसे आगे चले। हाँ, कुछ खाएं? यस, कुछ खाएं। चलो तो भाई अब आ गए हैं हम बुफे के लिए। भूख भी लग रही थी, ढंग से हमने नाश्ता नहीं करा था। जिन्होंने बाली के व्लॉग देखे होंगे उन्हें पता होगा कि हम जब ये चीजें करते हैं ना, एडवेंचर उडवेंचर वाली, प्यास मारी जाती है। मजा आया, बहुत मजा आया भाई, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, अच्छा था। अब खाते हैं भाई, जबरदस्त भूख लग रही है। इसमें ये मील इंक्लूडेड है। वैसे तो इन्होंने बूफे सिस्टम लगा रखा है, बट जैसे बीते हैं तो ज़्यादा रश होता नहीं, तो बूफे लगाने का फ़ायदा नहीं है, वेस्ट हो जाएगा, तो ऑन ऑर्डर है। Few inches later. खाना खाने के बाद हमारी नज़र गई थी साइकिल पे, साइकिलिंग और एक बंजी जंपिंग। तो मैं तो खाना खाने के बाद बंजी जंपिंग नहीं प्रेफर कर रही, बट पर हमको लग रहा है कि कर सकते हैं, तो ठीक है, प्लीज डूइंग इट। स्काई साइकिल हम कर चुके हैं। भाई आलू शाही पनीर सब मिक्स हो गया, मजा आया, मजा आया। कैसा लगा सर? भाई मजा आ गया। एक्चुअली हमारा एलिवेट से निकल के दोनों के फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, ब्लॉक भी रह गया ऑफकोर्स। तो एलिवेट से निकल के हम लोग आए थे पुलमैन एरोसिटी डिनर के लिए। मैं तो यही कह रहा था अब पिज़्ज़ा खा लिया, पास्ता खा लिया, बाकी पनीर टिक्का वगैरह बचा हुआ है वो खा लेते हैं, फिर थोड़ा घूम के रोटी खा लेंगे। छोड़ना तो कुछ है नहीं देख हमने। क्यों जी छोड़ोगे? आप छोड़ोगे जब आपको बूफे मिल रहा हो तो? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो ये है इनका बूफे एरिया, फार्मर्स क्लब के नाम से इनका ये रेस्टोरेंट, फार्मर्स बास्केट फार्मर्स क्लब लिखा हुआ। मैं तो वही पनीर दाल मखनी शाही पनीर। ये मेन कोर्स एरिया है, यहाँ पे एपेटाइजर्स हैं, यहाँ पे टेबल्स हैं, तो बहुत अच्छा बना हुआ है फार्मर्स बास्केट एट क्लब। गाइस तो मैं भी सही थी और परम भी सही था। अगर सिर्फ ये सही होता तो अभी नाच नाच के बतानी थी ये बात। अच्छा। आपको तो प्लक लिखा हुआ है बेटे। हाँ। ऐसा नहीं हूँ मैं, मार मार के बता। अखबार ले चल, रोटी लपेटने काम आएगी, पड़ी हुई है हमारे घर में, फूड पैकिंग के काम आएगी ना, यहाँ से ले जाएंगे, इतनी सारी चीजें खा तो पाएंगे नहीं। थोड़ा बूफे तेरे को पता है ना? अच्छा वो तो हम डिब्बी में, डिब्बी में डाल दो, थैली से और नीचे जा रहा हूँ ये तो मैं। तो भाई छोड़ना तो पहले मैंने बोल दिया है, कुछ नहीं है। तो ये एक एक पीस हमने ये लिया, एक पीस ये लिया, एक पीस ये लिया, टू पीसेस ओनली। थोड़ा थोड़ा खाएंगे, पर खाएंगे जरूर। इनकी प्रॉपर्टी बड़ी सही है, इन्होंने अंदर लाइटों के जुगनू छोड़ रखे हैं। देखो क्या सही, ध्यान से देखो, हमारी ख़राब होने पे ऐसी होती है। इन्होंने पहली ख़राब वाली लगा दी। भाई मीठा ले आए हैं, मीठा खाने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि ब्लॉग शायद चालू करना ही भूल गए। यही सबसे बढ़िया लगा अभी तक। बटर स्कॉच करके कुछ लिखा हुआ था, बटर स्कॉच नहीं मिला मुझे इसमें। भाई अभी स्वाद है, जिलेटो करिए, जिलेटो बोल इसको, डाला हुआ है, अच्छा दशहरी आम डलवाया, गुठली जेली भी, गुठली पिसवा के भी डाली है उसमें, वही आ रही है बीच में। तो ये हमारा बहुत डियर फ्रेंड है शुभकर्मन, जिसने हमारे लिए केक अरेंज किया है। भाई थक गए, अब तो बहुत थक गए, निकल गए हैं हम पुलमैन से। रोड अच्छी है यार, ये प्यारी लग रही है। ओए परम तेरी फोटो भी लगी है, क्या बीबी मैं नहीं जा रहा, क्या पी अभी भी जा रहा हूँ मैं, दोबारा खड़ी ना साली पीपड़ी में जा दूंगा तेरी। मैं घर पहुँच के बता देंगे मन किया तो, नहीं तो नहीं तो सो जाएंगे। बर्थडे तो हो गया है, बर्थडे तो हो गया, बहुत हो गया यार। एक तो इस महीने मतलब हमने व्लॉग नहीं बनाए इतने, तो आपको क्या पता, ये देख लो बस कहने के बाद 10 बातें कर लेती है अगली। लेकिन इस महीने इतना घूमना फिरना और फेस्टिविटीज और ये सब हो गया ना। देखो पहले हम गए पोंटा साहिब, वहीं से हम देहरादून गए थे, वापस आए रखड़ी नंबर 1 ससुराल से मरका में, रखड़ी नंबर 2 एक ससुराल परमका में। हाँ ये ठीक है, ससुराल परमका में, हाँ मतलब सब तेरा ही है। ससुराल से मरका, पेका से मरका, परमका घंटा, सगन से मरका।
खर्चा भरम का। मारो मुझे मारो। आ गया घर, अब हो गया हैप्पी बर्थडे। और भाई थकावट भी हो गई बर्थडे के साथ साथ बहुत ज्यादा। मेन वो जो ऊपर वाली एक्टिविटी करी थी ना हमने, वो जो रोप कोर्स था पूरा, वो एग्जॉस्टिंग था बड़ा। अच्छा था ओवरऑल, बहुत अच्छा दिन था, मजा आया, बहुत अच्छा बर्थडे था। थैंक यू सबका, स्पेशल थैंक्स सिमर का। सोने जा रहे हैं, मिलते हैं अगले बर्थडे के साथ, मतलब मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।